नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। आइए देखते हैं आज की खबर। जनपद कुशीनगर से पूर्व मुख्यमंत्री की मनाई गई पुण्यतिथि। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता कैलाश चंद कन्नौजिया जी के नेतृत्व में पकड़ी चौराहे पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता रहे मौजूद और नेताजी के चित्र पर माल्य अर्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि रामकोला के पूर्व विधायक एवं सपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णमासी देहाती ने कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव गरीब पिछड़े एवं किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किए। अपने मुख्यमंत्री तत्व काल में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्या धन जैसी योजना संचालित कराए। महिला विद्यालय के निर्माण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देकर इंटरमीडिएट स्तर के कन्या विद्यालयों का निर्माण कराए। 1000 पूरे माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित कर हजारों शिक्षकों को लाभान्वित किया। केंद्र में रक्षा मंत्री रहते सेना में तमाम अहम फैसले लेकर सैनिकों को कल्याण के लिए काम किए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कैलाश चंद कन्नौजिया ने कहा कि आज नेताजी हम लोग के बीच न रहते हुए भी आज जीवित हैं और हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताजी के ऋणी हैं। वहीं कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ क्षेत्र के तमाम सम्मानित जनता उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि कैलाश चंद कन्नौजिया, AK बादल आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैया निषाद ने किया। इस दौरान डॉक्टर KK यादव, मंतार अली, तूफानी निषाद, मनीष सिंह, राम प्रसन्न सिंह आदि और समाजवादी पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता रहे। उस परिवार को किया तो मुलायम सिंह ने किया था। साथियों, जब तक रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह रहे, एक चीन जैसा देश उनसे कांपता था। कभी अंगड़ाई नहीं लिया, पंजा नहीं मिलाया। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे देश उनसे पंगा नहीं लेते थे जब रक्षा मंत्री थे। माननीय मुलायम सिंह साहब, जिसकी श्रद्धांजलि हम मना रहे हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आम जनमानस को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया। तमाम स्कूल जो विद्यालय थे, जो वित्तविहीन थे, जिसमें बहुत से शिक्षक ऐसे करार पर पहुंच गए थे कि रिटायरमेंट के करार पर थे, जिनकी बहन बेटियों की शादी रुकी हुई थी, उनके बच्चों की शिक्षा रुकी। अभी रोक जाइए कि हम अपने घर के आंगन में घर के बेटा हैं, उस घर के बालक हैं, अनुसूचित जाति के में जो है हम अगुवाई करते हैं, जिसमें हम अपने ही इलाका भेंट में बहुत कम वोटों से हमने हार गया, जिसका आज तक हमें कष्ट है। उस कष्ट को मिटाने के लिए अभी अभी हमारे सुग्रीव भाई कहे हैं, प्रबुद्ध जो हमारा समाज है, सेल्थवार समाज, जिसको हमारे नेता ने पिछड़ी जात में कुर्मी पटेल कह करके सम्मिलित किया है, अगर इनका ध्यान समाजवादी पार्टी के तरफ आ जाए तो हम 90% वोट समाजवादी पार्टी प्राप्त कर ले। अगर केवल कुर्मी पटेल सैथवाद एक इसमें आ जाए तो अन्य भी जाति काफी मात्रा में मिलेंगे। मंच पर विराजमान हैं हमारे दादू के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र मनीष जी, राम प्रसन्न सिंह जो हमारे हाटा विधानसभा क्षेत्र के ये भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ये भी हमारे विधानसभा लड़े थे, काफी जुझारू, काफी मेहनत किए थे। साथियों, आज मैं ऐसे शख्सियत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था जब वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे, हमारे घर के नौजवान जो मिलिट्री पर
तैनात करते रहते थे और वो जब उस साहब जब वो शहीद हो जाते थे तो उनकी लाश उनके घर तक नहीं पहुंचाई जाती थी। उसे पहुंचाने का कृत कार्य अगर कोई किया तो मुलायम सिंह किए थे और साथ ही साथ सारा जो उसकी व्यवस्था